हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र और मुंबई में। जी हाँ दोस्तों, मुंबई में एक बार फिर से अनलॉक की प्रक्रिया जोर शोर से शुरू हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा और विवादित फैसला आ रहा है बीएमसी के द्वारा कि मुंबई की लोकल ट्रेन में दो वर्ग के लोगों को अनुमति नहीं मिलेगी। जानेंगे इस वीडियो के अंदर आके कौन कौन से वो वर्ग हैं जिनको अनुमति लोकल में नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल वाली बटन दबाकर स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं सबसे पहले लोकल ट्रेन के लेकर। मुंबई में वैसे सब कुछ खुल चुका है जी हाँ, लेकिन लोकल ट्रेन अभी भी आम जनता की पहुँच से बाहर रखा गया है। अब एक नया बयान आया है मंत्री जी विजय वेटीदर के द्वारा कि मुंबई की लोकल ट्रेन आम जनता के लिए शुरू होगी। उससे पहले एक विवादित बयान आया बीएमसी के द्वारा कि महिलाओं को और साथ ही स्कूल के टीचर्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि स्कूल के जो टीचर्स होते हैं, जो उन्हें पहले अनुमति थी लोकल ट्रेन में सफ़र करने की, लेकिन इस बार यानी कि जो दूसरी लहर आई, इस बार जब लोकल में अनुमति उन्हें नहीं मिली, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विद्रोह भी हो रहा है। जी हाँ, काफ़ी जगह प्रदर्शन किया गया स्कूल टीचर्स के द्वारा कि आखिरकार लोकल में उन्हें अनुमति क्यों नहीं दी गई। इसी को लेकर फिलहाल विवादित बयान चल रहा है। मुंबई की लोकल ट्रेन में 20 जून से, जी हाँ 20 जून से आम जनता को मिल सकती है अनुमति, क्योंकि मंत्री जी ने कहा है कि आने वाले एक या दो दिनों के भीतर आम जनता लोकल में सफ़र कर सकती है। दुकानों को भी समय समय जो दिया गया था यानी 4 बजे तक, उसे बढ़ाकर 7 से 10 बजे तक किए जाने की संभावना बताई जा रही है। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है मुंबई की लोकल ट्रेन में स्कूल टीचर्स और महिलाओं को अनुमति ना मिलने की वजह से कई जगहों पर लोगों के प्रदर्शन किया सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी, लेकिन आम जनता में जो अनुमति मिलेगी सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जो कामकाज से जुड़े लोग हैं। जैसे अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं या सेल्समैन हैं, या फिर आप कहीं पर सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट सेक्टर में कहीं काम करते हैं, तो आपके पास आपका प्रमाण पत्र यानी कि आई कार्ड होना बेहद ज़रूरी है। तो अगर आपके पास आई कार्ड होगा तो ही